आज हम श्रीमद् गीता के अध्याय 8 का श्लोक 7 देखते हैं। पहला चरण त के साथ आधा स तस मा आधा त तस्मात तस्मात स वे के ऊपर आधे र की मात्रा है। इसको राइट साइड में देखेंगे, ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र और वे। स के साथ आधा र सर्वे सर्वेषु सर्वेषु कालेषु। पहला चरण रिपीट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। दूसरा चरण माम म में अमिक्स करेंगे। माम नु के साथ आधा सन्नुस मर पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करेंगे। नुस मर यु ध्य ध आधा य पूरे के साथ ध्य युध्य च पूरा च में अमिक्स किया च युध्य च। दूसरा चरण रिपीट। माम नुस्मर नुस नु के साथ आधा स लिया फिर म और पूरे पूरे अक्षर है र इसलिए दोनों में अमिक्स किया। माम नुस्मर युध्य च। पहला और दूसरा चरण साथ में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। तीसरा चरण म के साथ आधार य। इस शब्द को अपन 12वें अध्याय में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। मयर सॉरी मयर पी त के साथ अ मिक्स किया। मयर पित म मनो में म में अमिक्स करेंगे। मनो बू के साथ आधा दबुद ध में धी और आधा बुद्धिर। ये अलग अलग लिखने का रीजन ये है कि कई बार हम द को छोड़ देते हैं। बुद्धिर बुद्धिर कहते हैं वो ध का उच्चारण नहीं आता इसलिए बुद्धिर। ठीक है। तीसरा चरण रिपीट। मयर पिता मनो बुद्धिर। चौथा चरण मामे एक मात्रा है मामे फिर व पे दो मात्रा तो वई। मामे वैश यस्य यस्य। स के ऊपर आधा न सन शयम। ध्यान देना ये शब्द कुछ लोगों ने पहले संशयम बोलते हैं इसको ध्यान देना है। स पे आधे न है तो सन श संशयम। चौथा चरण रिपीट। मामे वैश्यन मामे वैश्यस्य सन सॉरी आप लोग को बोलते हुए मामे वैश्यस्य संशयम। तीसरा और चौथा चरण साथ में। मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। एक बार वापस ध्यान से। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। श्लोक का अर्थ कल आपको बताया गया था कि श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? हमने इससे पहले देखा कि जो भी मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस स्वरूप को प्राप्त होता है। अगर वह अंत समय में परमात्मा का स्मरण करेगा तो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होगा। उसी में आगे क्या बोल रहे हैं भगवान। तस्मात यानी इसीलिए सर्वेषु सभी कालेषु समय में इसीलिए सभी समय में मामनुस्मर म में आपने अमिक्स किया था। अनुस्मर अनुस्मर का होता है अर्थ स्मरण करना। माम यानी मेरा भगवान अपने लिए बोल रहे हैं मेरा स्मरण। युद्ध युद्ध च और इसीलिए सभी समय में मेरा स्मरण और युद्ध कर मतलब मुझे याद रख
और युद्ध कर। यहाँ पर युद्ध करने का तात्पर्य कर्तव्य कर्म से है, अभी अपन उसको और क्लियर करेंगे। मय्यर पिता, इसमें मय्यर र में अमिक्स क्या था तो अर्पित, मय्यर पिता यानी मुझको अर्पित कर दे। क्या मनोबुद्धिर, मन और बुद्धि। मामी वैश्यस्य, इसमें तीन शब्द मिले हुए हैं, मामी वैश्य माम ए और एश यसी। माम यानी मुझे, एव यानी ही, एश यसी यानी प्राप्त होगा। यस्य में जो लास्ट य है उसमें आपने अमिक्स किया था तो असंशयम यानी कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। अर्थ क्या हुआ कि मुझ में मन और बुद्धि अर्पित किया हुआ मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे श्लोक का अर्थ होता है इसीलिए सभी समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मेरे में अर्पित मन और बुद्धि वाला मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। मतलब हमें जो भी कर्तव्य कर्म करना, ऐसा नहीं है कि भगवान हम सबको भी युद्ध करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। अर्जुन के समक्ष उस समय पर युद्ध का कर्तव्य था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को आज्ञा देते हुए हम सबको क्या बात सिखाई है कि जो भी हमारे पास काम है उस कर्म को भी करते रहो और साथ साथ में भगवान का स्मरण भी करते रहो। ये नहीं कि संसार के काम को छोड़ देना है और सिर्फ भगवान का स्मरण करना है, या फिर केवल संसार का काम ही करना और भगवान को स्मरण नहीं करना है। दोनों काम नहीं करने, दोनों में और शब्द का प्रयोग किया है, मतलब काम भी करो और भगवान का स्मरण भी करो। और भगवान का हर समय स्मरण किया जाएगा तो अवश्य इस सभी समय में से ही एक समय वो है जब हमारा अंत समय आएगा, और उस समय अगर परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे हम हर समय की तरह तो फिर अपने आप ही भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण।